स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहते बसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम पहुँच गए हैं, बता भाई। हम पहुँच गए हैं भाई जम्मू। ये अचानक ही ये टूर बन गया और सुबह सुबह हम 8 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, अभी टाइम हो रहा है 9। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो भूख तो लगनी लाजमी है ना, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे नाश्ते से। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जो कि यहाँ पे 100 साल पुरानी दुकान है भाई। स्पेशलिटी जो है ना इनकी, स्पेशलिटी है पूड़ी चने में, और यहाँ पे ना देसी घी यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं इनके ऑनर के पास, पूछते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत करी, क्या क्या स्पेशलिटी है। टेस्ट करते हैं अपनी आइटम्स और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो भाई रावलपिंडी स्वीट शॉप के नाम से ये दुकान फेमस है, 100 साल पुरानी दुकान है। ये ओनर हमारे साथ खड़े हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। सर एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, ये कहाँ पे पड़ती है? ये ओल्ड सिटी में जैन बाजार। ओल्ड सिटी में जैन बाजार। हाँ, रावलपिंडी स्वीट शॉप के नाम से ये दुकान फेमस है। सर शुरुआत कब हुई? ये आज से लगभग 100 साल पहले 1920 में हमारे दादाजी श्री सावरमल गुप्ता जी जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने शुरू की थी। सर स्पेशलिटी क्या है अपनी? पूड़ी चना ही है, सुबह जो नाश्ते में मिलता है, फिर चॉकलेट बर्फी है, पूड़े हैं। तो ये 100 साल पहले आपके दादाजी ने स्टार्ट करी थी, वही अभी आप कौन सी जनरेशन चला रहे हैं? ये थर्ड जनरेशन। इसके अलावा सर अपने पास क्या क्या है? बाकी तो स्वीट्स में यहाँ दोपहर को फिर चाइनीज आइटम्स हैं, समोसा है, आलू टिक्की है। अच्छा, मतलब फास्ट फूड मिल जाएगा दोपहर को? हाँ, फास्ट फूड दोपहर को। तो भाई शुरुआत करते हैं इनके नाश्ते से। ये थे यहाँ के ओनर, अपना पूड़ी चना लगवाते हैं और टेस्टिंग करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। ये लगने जा रही है हमारी पूड़ी, ये देखो भाई, ये देसी घी में होगी ये फ्राई। और यहाँ पे बड़े हैं भाई इनके, देखो ये छोले हैं। ये छोले ये कहते हैं कि बिना प्याज लहसुन इसमें यूज़ किए बनते हैं। ये इस तरफ आ जाएं, ये है इनकी मीठी चटनी, ये है इनकी कटी हुई जो मूली है, सलाद में ये देते हैं, ये है कद्दू का अचार और ये हैं खट्टे आलू। ये देखो भाई पूड़ी, देखो फूल के कितनी बढ़िया तैयार हो गई है। पूड़ी का साइज़ देखो। तो भाई प्लेट हमने यहाँ पे अपनी लगवा लिया, अंदर थी बहुत भीड़ तो हमने जगह अपनी खुद ही यहाँ पे बना लिया। एक बार अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या लगवाया है। भाई ये देखो, ये है पूड़ी, ये एक प्लेट पूड़ी है जिसमें 2 पूड़ियाँ आती हैं, कॉस्ट करती है 100 रुपये की, हमने सिंगल लगवाई है। ये हैं भाई इनके छोले, ये ऊपर डाले हुए इन्होंने आलू। ये है इनकी सलाद जिसमें आलू, कद्दू का अचार, मूली, चटनी इनकी मीठी सब मिक्स है। और ये है इनका हलवा, 300 रुपये किलो है, ये हमने 100 ग्राम लगवाया है। भाई ये नाश्ता बिल्कुल ऐसा नाश्ता ना पाकिस्तान में मिलता था, अभी भी मिलता ही है। तो ये ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं क्या टेस्टिंग है इसकी। ये पूरी बिना देसी घी में फ्राई हुई है। जो ऑनर साहब थे ये कह रहे थे कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रिपरेशन है, सारी देसी घी में करते हैं। उनको 100 साल से ऊपर हो गया ये काम करते हुए। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। बात करें इनके छोले की ना, जो ये डोने में देते हैं ना, जो इन्होंने ये पत्तल सा बना रखा है, ये यहाँ का ना ट्रेडिशन है, ज़्यादातर लोग ना इसी में देते हैं। और इसमें खाने का ना एक अपना ही मज़ा है, अपना ही स्वाद है यार। ये जो टेस्ट टेस्ट कर मैंने खाई है बाइट, मुझे इतना मज़ा आया ना, इसमें अनियन है, इसमें ना गार्लिक है, और टेस्ट ऐसा है कि इतना ज़बरदस्त। सुबह सुबह अगर ऐसा नाश्ता जम्मू में मिल जाए तो बात ही क्या यार, बहुत ही बढ़िया। एक बाइट में हलवे के साथ दूंगा इसकी। इसका तो कोई जवाब नहीं है, देसी घी का हलवा मुंह में जाती पता चल रहा है कि आप देसी घी खा रहे हो। भाई जो इनकी सलाद इन्होंने दिया ना, उसके साथ इसको लगा के खा, मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा सा उसमें मीठापन है, थोड़ी सी खटास है, और जो ये आलू है ना, ये खट्टे आलू हैं।
तो भाई नाश्ता हम अपना कर चुके हैं और हम आ गए हैं यहाँ पे रघुनाथ मंदिर के पास ना, एक बड़ी मशहूर टी स्टॉल है, शर्मा टी स्टॉल। तो चाय की चुस्की लेते हैं, उसके साथ साथ आपसे बात करते हैं। पूरी चना खाने के बाद चाय की चुस्की मिल जाए तो भैया सोने पे सुहागा वाली बात है। तो दीपक भाई बात करें ना उनके पूरी चने की, जो रावलपिंडी के पूरी चने थे ना वो सच में बहुत बढ़िया थे। क्योंकि क्या था कि जो पूरी थी काफ़ी बड़ी थी, एक पूरी से आप लोगों का पेट भर जाएगा। जो चने के अंदर उन्होंने आलू डाल रखे थे उसका एक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। और ये जो हलवा साथ दे रहे थे ना, सूजी का हलवा देसी घी में, बिल्कुल मीठा नबा तुला था उसमें और काफ़ी बढ़िया उसका स्वाद था। प्योर देसी घी में बना हुआ, प्योर देसी घी में। भाई सेम ऐसा नाश्ता ना आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा। और ये कहते हैं कि इनके जो दादाजी हैं ये पाकिस्तान से आए हुए थे, तो वही रीतियाँ चलाते जा रहे हैं। भाई वहाँ पर भी जो आपको है ना पूरी चना और साथ में हलवा मिलता है, यही ट्रेडिशन इन्होंने यहाँ पे भी चला रखा है। ये 6 बजे सुबह यहाँ पे मिलना चालू हो जाता है और दो बजे तक मिलता है। पूरी चना आपको मिल जाएगा। वही चाय ना बहुत बढ़िया, चाय पीने का मन करे ना जम्मू में आके तो रघुनाथ मंदिर के सामने ही ना थोड़ा सा आगे आएंगे तो शर्मा टी स्टॉल है, यहाँ पे आके इनकी चाय ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया। भाई अभी के लिए इतना, आगे निकलते हैं देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मशहूर दुकानें हैं जिन पे मशहूर चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या हम ट्राई करेंगे वो हम टेस्ट करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, होप करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो यतिन क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको हमारी दिखाई वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।